नमस्कार बच्चों, हरिहर काका हम लोग लगभग समाप्त करने के क्रम में हैं और दो चार पंक्तियाँ उसकी बाकी हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। कैसे हरिहर काका अपनी जमीन रहने के बावजूद भी बहुत दुखी रहते हैं, मौन हो जाते हैं। मौन होने से तात्पर्य है कि वो उन्हें ज्ञान मिल गया है कि अब लोग कोई कुछ कहता रहे, कोई प्रलोभन देता रहे, लेकिन वो शांत हो गए हैं, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। अब वो किसी को अपनी ज़मीन नहीं लिखेंगे। अंत में क्या होती है स्थिति, हरिहर काका के साथ महंत जी ने क्या किया, उनके भाइयों ने क्या किया, सबके व्यवहार से तंग होके वो बिल्कुल अब शांत हो गए, मौन हो गए। अब उन्हें मन में उन्होंने ठान लिया था कि अब किसी को ज़मीन नहीं देनी है, ठीक है ना। और वो अब पुलिस के निगरानी में थे और वहीं उन्हीं के खेत से जो भी पैसा आता था, जो भी और लोग मौज मस्ती उड़ा रहे हैं, और बेचारे मौन होके वहीं अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। यही इसका अंत होता है, ठीक है। अब हम लोग इसका प्रश्नोत्तर, इसके प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। अभी तक आप समझ चुके हैं हरिहर काका और लेखक दोनों गहरे मित्र थे, अब कैसे थे ये भी आप समझ रहे हैं। अब हम लोग प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है, इसके क्या कारण है? कथावाचक और हरिहर काका के बीच दो संबंध है। एक तो ये कि कथावाचक लेखक जो हैं, लेखक को हरिहर काका ने बचपन में बहुत खिलाया है और लेखक के घर के बगल में ये लोग रहते थे और लेखक को वो बहुत मानते थे हरिहर काका, क्योंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। इस कारण से वो लेखक को बहुत मानते थे, खिलाते थे, घुमाते थे इस कारण से। और दोनों के, लेखक और हरिहर काका के दोनों के बीच एक अच्छा संबंध था। और कथावाचक जो हैं, लेखक जो हैं, वो अपने पिता की तरह उनको मानते थे और उनके सुख दुख को जानना चाहते थे। तो आप ये लिखेंगे कि दो मुख्य कारण थे, एक तो बचपन से ही उनको दुलार प्यार किया है, लेखक ने को दुलार प्यार मिला है हरिहर काका के द्वारा, और दूसरा उनके घर के बगल में रहते थे। तो और हरिहर काका चूँकि निसंतान थे इसलिए उन्होंने अपने बच्चे की तरह उनको प्यार किया। दूसरा प्रश्न है, हरिहर काका को महंत और अपने भाई में, भाई एक ही श्रेणी में क्यों लगने लगे? अब क्या है भाई, हरिहर काका और महंत दोनों एक ही श्रेणी में इसलिए लगने लगे कि हरिहर काका की 15 बीघा जमीन थी, जिसके कारण महंत जी को जमीन के लालच थी। इस कारण वो हरिहर काका को जोर जबरदस्ती के कारण पहले तो उन्हें बहुत आदर मान सम्मान दिया, बाद में जब वो ज़मीन नहीं लिखे तो उनके साथ बहुत क्रूर व्यवहार कर उनसे अंगूठा का छाप ले रहे थे। ठीक वैसे ही उनके भाइयों ने भी वही किया कि जब हरिहर काका जमीन उनको नहीं लिख रहे थे, हरिहर काका ने समझाया कि मेरे मरने की मृत्यु के बाद सारी ज़मीन तुम लोगों की होगी, फिर भी ये लोग नहीं माने। और उनके भाइयों ने भी उनके मुँह में कपड़ा ठूस के ज़बरदस्ती उनसे ज़मीन लिखवाने लगे, अंगूठा छाप लेने लगे। तो इस व्यवहार से, दोनों के दुर्व्यवहार से हरिहर काका को दोनों की श्रेणी एक लगने लगी, ठीक है ना। जमीन हड़पने के लिए दोनों के व्यवहार में कोई अंतर नहीं था, ये अपने सगे भाई थे फिर भी वैसा ही व्यवहार, और वो बाहर के थे, महंत जी थे, उनका भी वही व्यवहार, इसलिए दोनों में उन्हें कोई अंतर नहीं मिला। तीसरा है कि ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं, उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। तो ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा है, क्योंकि इस गांव में बहुत पुराना और विशाल मंदिर है, एक बहुत बड़ा पेड़ है, एक बड़ा पोखरा है, और इस और मंदिर में ठाकुर जी हैं जो कि भगवान को ठाकुर कहते हैं। सारी सफलता का श्रेय ठाकुर जी को दिया जाता है, मंदिर को दिया जाता है, ठाकुरबाड़ी नाम पड़ गया। तो गांव में जिसकी घर में भी जो भी अच्छा काम होता है तो लोग श्रेय ठाकुरबाड़ी को देते हैं,
और सभी लोग श्रद्धा के साथ ठाकुर बाड़ी में जाते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, भगवान से मन्नतें मानते हैं। और इस सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे और सभी लोग खुले मन से वहाँ जेवर रुपया ये सारा कुछ चढ़ाते थे। तो एक प्रकार से वे गांव के लोग धर्म भीरू थे, धर्म को मानते थे और अपनी हर सफलता के पीछे वो ठाकुर बाड़ी को की कृपा मानते थे। तीसरा है, अनपढ़ होते हुए हरियर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो अनपढ़ हैं हरियर काका, तो पढ़े लिखे थे नहीं, अनपढ़ होते हुए भी हरियर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं कि हरियर काका सीधे, बहुत सीधे व्यक्ति थे, परंतु दुनिया का उन्हें बहुत ज्ञान था। वे अपने जीवित रहते हुए खेत किसी को नाम नहीं लिखे, क्योंकि उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर महंत जी से भी एक अनुभव मिला और अपने भाइयों से भी अनुभव प्राप्त हुआ। तो इस दोनों अनुभव के आधार पर वो दुनिया की बेहतर समझ उन्हें आ गई और वो उन्हें ज्ञान मिल गया और वो मौन रह करके किसी का कोई जवाब नहीं देते थे और चुपचाप सबकी बात को सुनते थे। और उन्होंने मन में ठान लिया था कि अब उन्हें अपनी जमीन किसी को नहीं देनी है, ठीक है ना। उनका जीवन नरक बन गया था इस 15 बीघे जमीन के कारण, कि जो चाहता था, जो सुनता था, गांव वाले हर कोई चाहते थे कि उस जमीन को हरियर काका लिख दें, ठीक है। अब दूसरा है क्वेश्चन, हरियर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे, उनके साथ कैसा बर्ताव हुआ। तो हरियर काका को सबसे पहले जबरन उठा ले जाने वाले ठाकुर बाड़ी के ही साधु संत थे। जब उन्होंने सुना कि ठाकुर बाड़ी हरियर काका अपनी जमीन के लिए, अपने खाने पीने के लिए तरस रहे हैं अपने घर में, तो वे लोग साधु संत से उन्हें ज़बरदस्ती उठवा लिए और भाला गड़ासा लेके आए थे, वो उठा के ले गए और हरियर काका उनके दलान पर आधी रात में आके थमक गए और उन्हें उठा के ले गए, ठीक है। हरियर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे। हरियर काका उन्होंने सोचा नहीं था, तब उनकी भी आंखें खुल गई कि शायद हमारे भाई को ले जा रहे हैं 15 बीघा ज़मीन, तो क्यों नहीं हम ही लोग लिखवा लें। तो इस तरह की भावना इनके मन में भी आती है और उन लोगों ने हरियर काका के साथ बुरा व्यवहार किया और ज़ोर ज़बरदस्ती में उनसे अंगूठा का छाप लेने लगे। लेकिन अचानक हरियर काका ने पैर से दरवाज़ा पर मारा, तो लोगों ने सुनकर हरियर काका को वहाँ से बचा लिया और उन्हें अपने घर ले गए। हरियर काका के मामले में गांव वाले की क्या राय थी, उसके क्या कारण थे। अब हरियर काका के मामले में गांव वालों की अलग अलग राय थी। कोई कहता था, कोई महंत जी के पक्ष में था, कोई हरियर काका के पक्ष में था, तो कोई उनके भाइयों के पक्ष में था। महंत जी के पक्ष में धार्मिक संस्कार के लोग थे और उनकी राय थी कि महंत जी को, हरियर काका महंत जी को जमीन लिख दें। कुछ लोगों की राय थी कि गांव वाले को दे दें, कुछ लोगों की राय थी कि स्कूल को समर्पित कर दें, और कुछ लोग थे जो कि कहते थे कि नहीं भाई, हरियर काका के भाइयों को जमीन मिलनी चाहिए। तो सबके अपने अपने अलग राय थे और सब अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे, लेकिन हरियर काका अब समझदार हो चुके थे। समाज में रिश्तों की क्या अहमियत होती है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो ये आपका बिल्कुल अपना विचार है, अपना निजी विचार आप प्रस्तुत करेंगे। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, अपने आसपास देख रहे हैं कि रिश्तों की क्या अहमियत होती है, कैसे एक रिश्ता, कैसे एक भाई एक दूसरे भाई के लिए क्या कर सकता है, ये आपके मन में क्या आपके भावना आती है, इसको अपना आपको व्यक्त तो करना है। लेकिन समाज में आपको लिखना है सबसे पहले कि समाज में रिश्तों की बहुत अहम भूमिका होती है, ठीक है ना। और हम सभी भौतिकवाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिसके कारण हम रिश्तों को अहमियत नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। हमारे अंदर मानवता कम होती जा रही है और हम सिर्फ पैसे के लिए, एक स्वार्थ के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आप अपना अनुभव लिखेंगे कि हम अपने अब बड़े घर के बड़े बुजुर्ग की ओर ध्यान नहीं देते हैं, उसके सुख दुख के बारे में महसूस नहीं करते हैं। तो इस प्रकार वे कहते हैं कि भाई, समाज में रिश्तों की अब बहुत अहमियत कम होने लगी है, अब सिर्फ लोग रिश्ते स्वार्थवश रखते हैं। आपको अपना अनुभव अपने शब्दों में लिखना है। दूसरा है, यदि आपके पास
आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे। तो ये भी आपका अपना निजी मामला होना चाहिए, आप कैसे मदद करेंगे। आप लिखेंगे कि हमारे पास अगर हरिहर काका जैसे कोई व्यक्ति होंगे, होते या होंगे, तो मैं उनका उनकी सहायता इस प्रकार करूंगा। कैसे करेंगे, उनके उनके लिए खाने पीने की वस्तुओं को दे सकता हूं, उनके हर सुख सुविधा का ध्यान रख सकता हूं। लेकिन कैसे भाई ध्यान रखना है, निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं होनी चाहिए कि हरिहर काका के पास जो ज़मीन है वो उनको मिल जाए इसलिए वो उनका साथ दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि हरिहर जो भी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हों या हरिहर काका जैसे स्थिति में कोई हो, तो हम उसके सुख दुख का ध्यान रखें, उससे बातें करें, उससे अपने उनके दुख का साझा करें, अपने मन उनको समझाएं, उनके दुख को दूर करने का प्रयास करें। ठीक है, इसके बाद है हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती, अपने शब्दों में लिखिए। तो पहले तो इतना भाई क्या कहते हैं, मीडिया का प्रभाव नहीं था, अभी तो कोई छोटी सी भी बात होती है तो मीडिया के आ जाने से बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लंबी चौड़ी बात बन जाती है, लोग हर लोग जान जाते हैं। तो हरिहर काका के गाँव में मीडिया की पहुँच होती तो क्या होता, मीडिया उनकी स्थिति और उनके साथ हुए दुर्व्यवहार की बात को सुनता, लोगों के सामने इस बात को मीडिया रखती और महंत के असली चेहरा को समाज के सामने प्रस्तुत करती कि ये महंत धर्म के नाम पर किस प्रकार लूट मचा रखे हैं, धर्म के नाम पर कैसे लोगों को आड़े हाथों ले रहे हैं, और सभी को समझा देते, महंत जी के असली रूप को बता देते और दुनिया को अवगत कराते कि ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए, उन्हें किसी प्रकार का दान दक्षिणा नहीं देना चाहिए क्योंकि उनके पास तो पैसों की कमी है नहीं, न वो काम करते हैं। तो इस प्रकार वो अपना मीडिया की भूमिका बहुत अहम होती, अगर मीडिया होती तो हरिहर काका को शायद इतना दुख न देखना पड़ता। महंत जी की बात सुनकर हरिहर काका क्या विचार करने लगे। अब हरिहर काका देर रात तक महंत की बात, जब पहली बार महंत जी को लेके जाते हैं तो महंत जी बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं हरिहर काका के साथ, तो बहुत देर तक विचार करते रहे कि शायद वो अपने जीवन में इतना अच्छा खाना या इतना मान सम्मान या इतना अच्छे से रहने का कभी मौका उन्हें नहीं मिला। तो कह रहे हैं कि महंत जी कौन, पहले 15 बीघे ज़मीन आप परिवार के भाइयों को देते हैं तो तब कोई आपको पूछता नहीं है, आपका आपके पास पैसा आता है तब भी कोई पूछता नहीं है, आपको अच्छे ढंग से खाना नहीं मिलता है, तो बाद में वो हड़प भी जाएंगे और आपको खाना ठीक भी, रहन सहन भी आपका अच्छा नहीं रहे है, इसलिए ठाकुर जी के नाम अगर आप लिख देंगे तो आप आराम से आप अपनी ज़िंदगी बिताएंगे, आप स्वर्ग को प्राप्त होंगे, आप वैकुंठ को प्राप्त होंगे और आप आराम से यहाँ खाएंगे पिएंगे और आपकी सेवा शुश्रूषा के लिए भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो महंत जी ने ठाकुर हरिहर काका को इस प्रकार समझाया कि आपकी जो 15 बीघे ज़मीन है उसको आप ठाकुर बारी के नाम लिख दें और उस ज़मीन से आप आराम से अपना अपने जीवन को बिता सकते हैं, खा पी सकते हैं, और आप अगर अपनी ज़मीन अपने भाइयों को देते हैं तो आज भी जो स्थिति है वैसी ही स्थिति आपकी वैसे उस समय भी रहेगी, क्योंकि आपके घर से जो भी अनाज आ रहा है सभी लोग खा रहे हैं लेकिन आपको ढंग से खाना नहीं मिल रहा। अब दूसरा है कि भावी आशंकाओं को मद्देनज़र रखते हुए भाई काका से क्या निवेदन करते थे, इस संबंध में काका की प्रतिक्रिया क्या होती है। भावी आशंका, भाइयों के मन में आशंका ये हो गई कि एक बार महंत जी हरिहर काका को ले गए तो अब उनके मन में आशंका हो गई कि कहीं ऐसा ना हो कि कभी भी हरिहर काका अकेले हों तो वो उनकी ज़मीन को लिखवा लें, इसलिए उनके मन में आशंका बनी रही। अपने पत्नियों से उन्होंने कह दिया कि इनका इनकी देखभाल ठीक से होनी चाहिए, खान पान ठीक से मिलना चाहिए, और इस प्रकार आप कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन फिर भी महंत जी को इनके भाई इनको समझा रहे हैं हरिहर काका को, देखिए भाई आप ज़मीन लिख दीजिए,
हम लोग आपकी सेवा करेंगे। लेकिन महंत जी हरिहर काका ने कहा कि देखो, जमीन तो तुम्हारी ही होगी, मेरी मृत्यु के बाद सारी जमीन तुम लोगों की ही होगी, इसलिए अभी मैं क्यों लिखूं। जब ये बात उनके भाइयों ने सुना तो उनकी प्रतिक्रिया कुछ अलग हो गई, वो कुछ अलग सोचने लगे और वो डर गए कि अब ये ऐसा लगता है कि अपने भाइयों को ये ज़मीन न लिख के ठाकुर बाड़ी को लिख देंगे या कहीं भी लिख देंगे। तो इस तरह की सोच बन गई। तो अभी और दो चार क्वेश्चन है, अगले क्लास में इसको समाप्त करेंगे। और कहीं भी कोई परेशानी होती है तो आपको उससे पूछना है, क्वेश्चन आंसर बनाना है हरिहर काका से। लंबी कहानी थी और बिल्कुल हमारे समाज की, हमारे आसपास की ये कहानी है, जिसको समझने में मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया है और बिल्कुल स्वार्थ से जुड़ के ही वो दूसरे से रिश्ता बनाता है। तो आप भी आप सोचिएगा, अपने आसपास देखिएगा और अपने अनुभव को साझा करिएगा, और इसमें जो प्रश्नोत्तर है उसको बनाना है। अगले क्लास में हम लोग इसको, जो भी दो चार प्रश्नोत्तर बचे हैं, हम लोग इसको समाप्त करेंगे।